हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 31 वीडियो है। इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम नॉट कम अप आइदर टाइम्स, और सेकंड 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। सेकंड, गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। नेक्स्ट, इन अ फिगर परपेंडिकुलर ओ डी ओ एफ एंड ओ ई ओ एफ आर ड्रॉन टू साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन पॉइंट ओ इन अ इंटीरियर ऑफ ट्रैंगल ए बी सी। प्रूव दैट, ये फिगर दिया हुआ है, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर माइनस ओ ई स्केयर। सेकेंड, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर इज इक्वल टू ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। लास्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हु अ सर्कल हू सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। तो ये कंडीशंस बनेंगे अगर हमने डाइस को थ्रोन किया है डबल, तो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। नेक्स्ट, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो फर्स्ट कंडीशन, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। तो देखिए 5 जो है इन दो लाइनों में आ रहा है, तो बाकी के एलिमेंट्स काउंट कीजिए 25 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, केसेस इज इक्वल टू 25, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। तो पी 5 will not come up either time. Is equal to number of favorable cases upon total number of cases. तो probability आ गई हमारे पास 25/36 आंसर। सेकंड पार्ट, 5 विल कम अप एट लीस्ट वन टाइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस केसेस 11, और टोटल नंबर ऑफ केस 36। तो 11 गिनिए, 5 यहाँ वन टाइम्स आ रहा है, यहाँ 5 भी वन टाइम आ रहा है, यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल ये है 11, 5, 5, 10 और 1, 11। तो पी 5 विल कम अप एट लीस्ट मंथ्स इज इक्वल टू
सेम फार्मूला लिख लीजिए तो आंसर आ गया 11/36 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और sn इज इक्वल टू -14। तो sn इज इक्वल टू n बाय 2 a 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -14 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो हमारे पास 2 को इधर शिफ्ट कीजिए तो -28 इज इक्वल टू 2an प्लस 2n n माइनस 1। तो यहाँ 2 कॉमन निकालिए, -14 इज इक्वल टू an प्लस n n माइनस 1। ये नंबर वन। सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का वैल्यू 4, ए प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू 2। तो हमारे पास 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 माइनस 2n प्लस 2। तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 6 माइनस 2n। ये सेकंड, तो वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम सेकंड पुट इन फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। तो -14 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 6 माइनस 2n और यहाँ n प्लस n n माइनस 1। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 14 इज इक्वल टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। तो -14 इज इक्वल टू 6n माइनस n 5n, n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो शिफ्ट कीजिए इसे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 5 को मैंने माइनस 7 और 2 में स्प्लिट किया। फर्स्ट टू टर्म में से हम n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 7, सेकंड दो टर्म्स में से हम n 2 निकालेंगे तो हमारे पास n माइनस 7। तो n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 2, n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू माइनस 2 रिजेक्ट कीजिए, ये रिजेक्ट हो गए तो n इज इक्वल टू 7। तो एक हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो यहाँ a का n का वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8। तो ए का वैल्यू माइनस 8 और बी का वैल्यू एन का वैल्यू 7। दैट इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ये फिगर बना लीजिए सबसे पहले आप, ए बी सी D, E, F। तो सबसे पहले इन्हें नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फिफ्थ और ये सिक्स्थ ट्रायंगल, और सेंटर है हमारे पास O। इन ट्रायंगल O E F एंगल ओ एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस हमारे पास ओ ए है, परपेंडिकुलर हमारे पास ओ एफ है, बेस ए एफ स्क्वायर।
इसमें हम तीन ट्रायंगल्स लेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तीन ट्रायंगल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए तीन ट्रायंगल्स लेंगे, तो फर्स्ट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल OAF, OFA इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू OA, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू OF और बेस इज इक्वल टू AF। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो यहाँ हमें AF स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर नंबर वन इक्वेशन इन ट्रायंगल OBD एंगल BDO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास यहाँ OB, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ OD और बेस इज इक्वल टू BD। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ बी डी का वैल्यू, बी डी स्क्वायर का वैल्यू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन। और इन ट्रायंगल फाइव ट्रायंगल लीजिए ओ सी ई, तो एंगल ओ ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हाइपोटेनियस जो है हमारे पास यहाँ फिफ्थ ट्रायंगल में ओ सी है, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ ओ ई और बेस इज इक्वल टू सी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहाँ सी ई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ये नंबर तीन। तो एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। हैंस प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, तो इसे आप नंबर फोर इक्वेशन मान लीजिए। अब सेकंड पार्ट के लिए आप ट्रायंगल लीजिए सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये तीन ट्रायंगल्स लेके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो ये सिमिलर रिजल्ट जो है आपको खुद से बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में तीन ट्रायंगल लेके सॉल्व किया था, इसी तरह हमने सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ट्रायंगल को लेके ये इक्वेशन तैयार करनी है। इस इक्वेशन को नंबर फाइव मानना है। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पी का वैल्यू दिया हमें एक्स वाई,
ए का वैल्यू दिया है हमें 36 और बी का वैल्यू -3 4, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए का वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 के, यहाँ मॉड का निशान पा लीजिए, इज इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई, दोनों अलग अलग हैं, ये इस तरफ एक्स स्क्वायर तो इस तरफ ये कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर इस तरफ है और दूसरा वाई स्क्वायर उस तरफ, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास 9 + 36 = 45 माइनस 6x माइनस 12y, तो यहाँ 16 और 9 = 25, 9 और 16 प्लस 6x माइनस 8y, तो इसे शिफ्ट कीजिए यहाँ, तो हमारे पास 25 प्लस 6x माइनस 8y माइनस 45 प्लस 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x वाली टर्म्स को जोड़िए 12x और फिर y वाली टर्म्स प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो इनमें से 4 कॉमन निकालें आप, तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। तो हमें एक सर्कल दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में, जिसका सेंटर O मान लीजिए, सर्कमफ्रेंस रेडियस इज इक्वल टू R, सर्कमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू 22 गिवन आउट है हमें, तो r की वैल्यू 22/2π, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2 × 22/7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कैंसिल आउट, 7/2, तो यहाँ हमें क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो इसका वैल्यू एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू θ/360 × πr² एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला ही है, तो यहाँ 90/360 × πका वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 7/2 × 7/2, तो ये कटिंग करके 4 आ गया, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 22, 11 × 7 = 77/8 स्क्वायर यूनिट्स आंसर।